हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस में। तो पिछली वीडियो में बायोलॉजी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए थे। देखिए, हमारा जो टॉपिक था, थोड़ा हम ऊपर चलते हैं कि क्या हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने मानव प्रजनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसके 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हमने डील करा था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। अब हम लोग 17 नंबर से चलेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि एक लेसन में हम दो वीडियो को मिलाकर हम एक लेसन कंप्लीट कर रहे हैं। और बिल्कुल आप हमारे चैनल पे कंटिन्यूटी बनाकर रखिए, अच्छे से पढ़िए। आपके एग्ज़ाम की पूरी पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और उम्मीद करते हैं कि अगर आप हमारे ऊपर भरोसा करिएगा तो आपके उस भरोसे को हम कभी भी, ठीक है, कभी भी उस भरोसे को हम ठेस नहीं पहुंचाएंगे और एग्ज़ाम बिल्कुल ही अच्छा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 से शुरुआत करते हैं, क्योंकि 16 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। देख लीजिएगा, नीचे जाके ड्रीम क्लासेस पे सब कुछ मिल जाएगा। अस्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है। तो अस्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। नोट करो कॉपी में। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 2009 में, देखो यहाँ पे 2009 में पूछा गया बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन है कि अस्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। तो ये जो है वो भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इसीलिए हमने आज हाईलाइटेड किया। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है द्वितीयक केंद्रक। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम डिस्कस करें कि यौवनारम्भ के समय प्रथम आवर्त चक्र कहलाता है तो रजोदर्शन कहलाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये जब इसके बारे में जब आपकी अवस्था जो है वो बड़ी होगी तो आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जो है अनुभव होगा। वैसे मैं नॉर्मली इसको डिटेल्स के साथ बताना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है। बस आप याद रखो कि यौवनारम्भ के समय प्रथम आवर्त चक्र कहलाता है तो ये हमारा रजोदर्शन कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, तो मनुष्य के सुक्रिय प्लाज्मा में प्रचुर मात्रा में होते हैं। ठीक है, मनुष्य के सुक्रिय प्लाज्मा में प्रचुर मात्रा में होते हैं तो फ्रक्टोस, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम होता है। मनुष्य के सुक्रिय प्लाज्मा में प्रचुर मात्रा में फ्रक्टोस, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर अगर हम डिस्कस करें तो फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटतस्थ भाग होता है तो ये हमारा लुम्बिका कहलाता है। ठीक है, ये इतना हाईलाइटेड क्वेश्चन तो है नहीं, पर कभी कभार जो है इस क्वेश्चन का जिक्र एग्जाम वगैरह में कर देता है, तो सो प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा जो है देख लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर अगर हम डिस्कस करें तो अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है, तो अंडोत्सर्जन की क्रिया जो होती है ना वो LH के प्रभाव से होती है। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछता भी है बार बार एग्जाम में कि अंडोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो किसके प्रभाव से होती है, तो LH के प्रभाव से होती है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम डिस्कस करें कि अंडवाहिनी का अंतिम भाग कहलाता है। ठीक है, तो अंडवाहिनी का जो है वो अंतिम भाग स्थमस कहलाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी में नोट करिएगा कि अंडवाहिनी का अंतिम भाग कहलाता है तो स्थमस कहलाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, अंडवाहिनी का अंतिम भाग कहलाता है स्थमस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम डिस्कस करें तो क्वेश्चन है कि कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। ठीक है, कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है, तो ये द्वितीयक केंद्र है। जी हाँ स्टूडेंट, द्वितीयक केंद्रक जो है ये नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हो गया क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की अगर डिस्कस करें कि कॉपर ग्रंथि उपस्थित होता है, तो कॉपर ग्रंथि जो होता है ना ये हमारा नर में उपस्थित होता है। कॉपर ग्रंथि कहाँ उपस्थित होता है, नर में उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें कि नर एवं मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, तो नर एवं मादा युग्मक के संयोजन से जो है युग्मनज की का निर्माण होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, नर एवं मादा युग्मक के संयोजन से जो होता है वो हमारा युग्मनज का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर हम लोग डिस्कस करें कि भ्रूण के अंतर कोशिका समूह में पाई जाने वाले विशेष प्रकार के कोशिकाएं कहलाती है, तो ये हमारा स्टेम सेल कहलाएगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, भ्रूण के अंतर
कोशिका समूह में पाए जाने वाले विशेष प्रकार की कोशिकाएं जो है वो स्टेम सेल कहलाती है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर अगर हम डिस्कस करें, अभी अभी क्वेश्चन ये पूछा गया था थोड़ा सा कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, 2015 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। तो शुक्राणु जनन का नियंत्रण जो होता है वो LH के द्वारा होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, LH के द्वारा होता है। और हमारे ट्री और ड्रीम क्लासेस आपको पता है कि बहुत ही वेरीफाइड टीम है, 2016 से वीडियो बना रही है क्लास 12th और 10th के बच्चों के लिए। तो आप ड्रीम क्लासेस को के नोट्स को भी खरीद सकते हैं, ठीक है। नोट्स काफ़ी सस्ता आता है हमारा, जो आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा, व्हाट्सअप के माध्यम से, और अवेलेबल कर दिया जाएगा 6 घंटे के अंदर। अगर आपको नोट्स परचेज करना हो तो मैं अपनी टीम का व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, आप बिल्कुल भी यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी ड्रीम क्लासेस के टीम का व्हाट्सअप नंबर है 6200733858। अब बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने हमारे ड्रीम क्लासेस के नोट्स को खरीदिए और 80% से अधिक मार्क्स को अर्जित करिए। क्वेश्चन नंबर 29 की का अगर डिस्कस करें कि भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है, भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है, तो ये हमारा मोरूला कहलाती है। जी, भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है, वो हमारा मोरूला कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर डिस्कस करें कि नेत्र लेंस बनता है तो एक्टोडर्म के द्वारा, नेत्र लेंस जो है वो बनता है वो किसके द्वारा बनता है, नेत्र लेंस बनता है एक्टोडर्म के द्वारा, ठीक है, और एक्टोडर्म से बनता है। और क्वेश्चन नंबर 31 का डिस्कस करें कि एक्रोसोम किसका संभाग है, ये 2016 और 17 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मानव शुक्राणु के स्थिरत भाग होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर डिस्कस करें कि शुक्रजनक नलिका में पाए जाने वाले पोषक कोशिकाओं को कहते हैं, ठीक है। तो हाँ, स्पर्मेटागोनियल कोशिका, जी हाँ स्टूडेंट्स, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था, ठीक है, स्पर्मेटागोनियल कोशिका कहलाता है। ये हमारे 32 क्वेश्चन हो गए और ये हमारा लेसन 3 कंप्लीट हो गया, बायो के आपके 3 लेसन के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए। अगर इसी तरह से एक्टिविटी बना के रखिएगा, स्थिरता बना के रखिएगा ड्रीम क्लासेस पर, तो आपको पूरा सिलेबस जो है ना एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करके बिल्कुल आपको कर दिया जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल नोट्स पे पूरा फोकस करिए, ड्रीम क्लासेस आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करेगी। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो।